और कब तक? जब तक चुनाव खत्म हो। बिहार का बेटा कैसा हो, में दर्द हो
700 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। कल्पना कीजिए कि भाजपा वाले के हमारे साथियों की आरा की सीट भी निकले और बेगूसराय भी निकले, फिर 2003 के असेंबली के चुनाव में और उसके साथ साथ जितने भी जन आंदोलन बिहार की धरती में हो उसका रंग क्या होगा, इसके लिए 12-14-16 घंटा होगा। तो साथियों, मैं यहां पर कोई लंबा भाषण तो नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 मुद्दे जो जनता के बीच में रखने चाहिए। मैंने मेरे खुद के चुनाव लड़ने के अनुभव के दौरान एक बात नोटिस किया है, सबसे ज्यादा जो चीज मेरी फेवर में क्लिक हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो ये, मैं यहां से मिलता था, मैं जनता को कहता था कि चुनाव के 24 घंटा बाकी होगा तब गुलाबी रंग की 2000 रुपए की नोट लेकर आपके बीच में आना वो मेरे बस की बात नहीं। 12-15-20 लंबी लंबी गाड़ियां हो, लठे 8-10 लोग एक एक गाड़ी में भरे हो, लाखों करोड़ों की रिलम छेल हो, शराब बांटी जाए, पकवान बनाए जाए, 500,000-2,000 का नोट बांटा जाए, नहीं ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं, नहीं ये मेरा कल्चर है। मेरे पास सिर्फ एक चीज है और वो है ईमानदारी। मैं ईमानदारी से ये बात कहता था, मैं कल को चुनाव हार भी गया या कल को आपने वोट नहीं दिया तब भी मेरी मां की कसम आपके बीच आपका काम और चुनाव थप्पा लगाने का दिन चला गया और जब तक नतीजा नहीं आया तब तक उन गांव में दुआ लग रहा जहां पर सड़कें टूटी हुई थी और प्रेग्नेंट बहनों के लिए एम्बुलेंस इसलिए नहीं आ पा रही थी वहां पर क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी। चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर वहां पर ज्ञापन दिया, जीतने के बाद मेरी मां को मिलने घर में गया अहमदाबाद, वड़गांव में ही रहा, ज्ञापन दिया, आंदोलन की शुरुआत की और फिर मेरे चुनाव में अहमदाबाद गया। तो आप जब जनता की आंख में आंख डालकर ईमानदारी से कहते हैं तो वो ईमानदारी भी जनता को कन्वे होती है। और आप कल्पना कीजिए ये छिछोड़ा गिरगिट क्या बोलेगा, नहीं जेन्युइनली कह रहे हैं। एक विपक्ष के तौर पर आप कल्पना कीजिए उसके पास बोलने के लिए क्या है, वो क्या ऑफर करेगा जनता, इसके पास कोई ईमानदारी है, कोई कमिटमेंट है, कोई विचारधारा है, उसके दिल में नेकी है, कुछ कल गुजरने की चाहत है, कुछ नहीं उसके पास, उसके पास तो फरेब है, उसके बाद फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, जासूसी है और मोदी जी ने इंजेक्ट किया हुआ झूठ है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास टीम है, हमारे पास प्रगतिशील लोगों का काफिला है, हमारे पास प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है और कुछ बदलने की चाहत है। दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करिए कौन जीतने वाले, कन्हैया कुमार। और इसीलिए मैं तो कहता हूं अब कन्हैया कुमार नहीं, बेगूसराय के सांसद डॉक्टर कन्हैया कुमार। और जनता के बीच जाकर कहिए कि लंबी लंबी गाड़ियों में नहीं आए, ये जो थूक लगाकर पर्चा चिपकाने के लिए आए हैं ना, खुद का जेब का पैसा डाल रहे हैं, रखवाने की जेब का पैसा हमारे पास नहीं है। उनको ये कहिए, हर रोज मैं मेरे गांव में जाकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहता था, बूढ़ी मां को, औरतों को, बहनों को खास, बुजुर्गों को खास, कि एक दिन पहले ये लोग 2000 रुपए का नोट लेकर आएंगे, एक दिन के लिए आपको खरीदेंगे और 5 साल के लिए आपको बेचना है। आप उनको कहीं उनकी आंखों में आंख डाल दो, दिल से कहिए कि हम लोग गरीब हैं, जब ये लोग पैसा बांटने आए गिरगिट के लोग, तब हमको कहना है जनता को अभी से कि लोग पैसा
25-50 करोड़ बांटना कोई बड़ी बात नहीं। तो वो लोग जब पैसा बांटने आए तब आपको ये कहना है किसको, बेगूसराय की जनता कि गरीब है, मजदूर है, दो वक्त की रोटी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे 2000 रुपए के नोट की खातिर हम गरीब लोग हमारे आत्मसम्मान को दांव पर नहीं। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, उनको ये कन्वे हो जाएगा कि इनके पास बांटने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास ईमानदारी है। ये बात कन्वे होती है और होती है, क्योंकि मूलतः ज्यादातर ब्रॉडली दुनिया में बाय एंड लार्ज लोग अच्छे हैं। इस बात के ऊपर खेलिए, वो झूठ पर खेलेंगे, हम हमारी ईमानदारी के ऊपर बात करेंगे। और उनको कहिए कि ये भारत सरकार का मंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ता है, करोड़ों अरबों में खेलता है, 5-स्टार होटल में रुकता है, उसको क्या बेगूसराय की जनता पकड़ने के लिए दिल्ली जाएगी? अरे ये बीहट का छोरा है, कभी भी आपके हाथ में वो नहीं रहा तो उसका चचा रहेगा, उसका भाई रहेगा, सीपीआई की पूरी टीम रहेगी, एएसएफ की काडर रहेगी, यहां पर उसका ऑफिस रहेगा, उस गिरगिट को पकड़ने कौन दिल्ली जाएगा? और एक बात मेरी ओर से दिखती है, क्योंकि गिरगिट ने मेरे लिए विशेष प्रेम दिखाया है, तो हम भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारी ओर से जनता को कहिएगा कि गुजरात में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, तो जब यूपी और बिहार के मजदूरों को गुजरात में मारा पीटा गया तब मोदी और अमित शाह खामोश क्यों? क्या प्रधानमंत्री, इस मुल्क के प्रधानमंत्री होने के नाते और एक गुजराती होने के नाते, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि गुजरात की जनता को दो हाथ जोड़कर अपील किया जाए कि मेरे भाइयों बहनों, गुजरात वासियों, यूपी और बिहार के मजदूरों के साथ ये गलत व्यवहार बंद कीजिए? ये अपील क्यों नहीं किया? और यदि आपने अपील नहीं किया तो मोदी और अमित शाह, रामविलास पासवान और ये गिरगिट कौन सा थोबड़ा लेकर हमारे बीच में वोट मांगने के लिए? तब भी हमारा यह पोजीशन था, आज भी हमारा यह पोजीशन है कि यूपी और बिहार के मजदूरों के लिए गुजरात का दरवाजा कल भी खुला था, आज भी खुला है और हमेशा के लिए खुला है। क्योंकि इस प्रकार की मेरी गंदी राजनीति हम यकीन नहीं करते, लेकिन मोदी और अमित शाह बहुत कन्वीनियंटली इस वक्त खामोश रहे। उनकी इस खामोशी के खिलाफ उन्होंने कहा था बिहार की धरती से कि प्रधानमंत्री नहीं नम खाना। और ये गिरगिट उल्टा हमको सवाल पूछ रहे हैं, तो इस बात से जनता को अवगत कराया गया। और एक बात भी याद रखिएगा, वो 25 किस्म के गोले फेंके गए, सारे गोले में से एक भी गोला हमको पकड़ना नहीं, हम हमारा एजेंडा सेट करेंगे। और हमारा एजेंडा समाजवाद है, उनका एजेंडा फासीवाद। हम उनके कहने पर रिएक्ट करेंगे नहीं, किसी भी कास्ट और रिलीजन के भाई बहन की सेंटिमेंट कतई ऑफेंड न हो, इस बात का बहुत ख्याल रखें। और एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो बहुत से लोगों को मन करेगा कि रोज उनसे मिले, उन्हीं की गाड़ी में जाए, उन्हीं के रूप का हिस्सा बने। एक हमारे साथी गुजरात के भानुभाई बनकर, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बहुत ही सीजन और मच्योर आदमी थे, बहुत ही कमिटेड आदमी रहे थे, किसी और गरीब को उसकी मालिकी के जमीन के टुकड़े का पोजीशन नहीं मिल रहा था, बहुत बार उन्होंने लिखा, फिर आखिर में
जब मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए आए थे मुझे पता भी नहीं चला। सुबह अपने छह साथियों को लेकर एक गाड़ी लेकर पहुंचेंगे दफ्तर पे जहां पर हमारा कार्यालय था, पर्ची स्पीकर और पोस्टर उठाएंगे, अपने पैसे से किसी भी गांव में खाएंगे, रात तक प्रचार करेंगे और बगल के तहसीलदार के घर जाकर सो जाएंगे। हमको एक बार मिलने भी नहीं आए, हमको पता भी चलने नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं मांगा, एक सेल्फी भी नहीं खिंचाया। ये उनकी कमी थी। तो बहुत से लोग चाहेंगे कि जिग्नेश भाई को मिले, कन्हैया को मिले, उनके साथ बैठे, उनसे सेल्फी खिंचवाए, उन्हीं के रूप पर जाए। ये मत करिए, एटलीस्ट 20 दिन मत करिए, फिर तो हम भी यही है। ठीक है, तो इन सब लालचों से बचकर कन्हैया से मैक्सिमम दूर और जनता के बीच मैक्सिमम, ये आप कर दीजिए। कन्हैया के इर्द गिर्द कभी मत रहिए, है उसके पास भी बहुत से लोग, आप लोग अपने आप को गांव में बिखेर दीजिए, हर एक घर में जाइए। अभी इस वक्त ये डायस पर जितने लोग बैठे हुए मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं कम से कम 150 लोग हैं, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति पर डे केवल 200 फैमिली को भी मिले तो फिर कितना होगा, कितना होगा? हर रोज 20,000 फैमिली का संपर्क कर पाए, सही कह रहे हैं, कितना 1,000 इंटू 20 दिन करिए कितना होगा, और एक फैमिली का 4 वॉट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इतने लोगों से इतने दिन के दौरान मैक्सिमम केवल लोकसभा के अंदर की केवल एक ही असेंबली की सीट कवर होगी। हम बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं, विथ एवरी पासिंग डे वी आर इंप्रूविंग, लेकिन हम बहुत बैकफुट पे हैं, ऐसा मानकर खुद प्रोएक्टिवली प्रेशर ओढ़कर काम करना है। ठीक है, कन्हैया जीतेगा लेकिन जीत रहा है तो तगड़े मार्जिन के साथ जीते।